नमस्कार दोस्तों, प्रतिमास किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज प्रतिमास किचन में बनेगा एक नई रेसिपी। दो कच्चे आलू और एक कप आटे से आज हम ये रेसिपी बनाएंगे। आशा करती हूँ ये रेसिपी आप सबको बहुत बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक कप आटा लिया है, गेहूं का आटा मैंने लिया है। इसमें मैंने बिल्कुल भी मैदा ऐड नहीं किया है। और अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज लिया है, एक मीडियम साइज़ का प्याज। हरा धनिया को मैंने चॉप करके लिया है और दो कच्चा आलू मैंने लिया है, उसका छिलका मैंने निकाल के अच्छे से धो लिया है। और हरी मिर्ची को भी मैंने चॉप करके लिया है। थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक लिया है, चिल्ली फ्लेक्स लिया है और ओरिगानो लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये जो आटा लिया था, आटा ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, हम बिल्कुल बारीकी से इसको ग्रेट कर लिया है दोनों आलू को। और आलू जैसे ही हम कद्दूकस कर लेंगे, उसमें हरी मिर्ची डालेंगे और धनिया पत्ता जो चॉप करके हमने रखा था उसे डालेंगे। और प्याज को भी मैंने बारीकी से कटा हुआ था उसे भी डाल देंगे। तो ये देखिए, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर डालेंगे और काला नमक डालेंगे और चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा सा ओरिगानो डालेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट्स था, दही। दही को मैंने आपको बताई नहीं थी। दही डालने से बहुत ही नरम आटा गूंद कर रेडी हो जाता है। और एक चम्मच मैंने ऑयल भी दे दिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके गूंदेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड मत कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी दे सकते हो, नहीं तो दही और आलू से पानी निकलता है। तो ये देखिए, मैंने आटा गूंद लिया है और ऊपर से और थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे चिकना करके गूंद लेंगे। और इसे रेस्ट करने के लिए हम 15 से 20 मिनट रख देंगे। तो ये देखिए, आटा को हमने 15 से 20 मिनट रखा था और बिल्कुल रेडी हो गया है आटा। अब हम इसका एक एक लोइया तोड़ेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा लोइया तोड़ेंगे। तो ये देखिए, मैंने लोइया तोड़ दिया है और इसका गोला बनाएंगे। तो ये देखिए, सारे लोइयों को मैं इस तरह से गोला बना लूँगी। और यहाँ पर मैंने बेलन लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से बेल लेंगे। जैसे हमारा रोटी बनता है बिल्कुल वैसा ही बेल लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा पतला मत कीजिएगा। और बाकी जो एक्स्ट्रा आटा मैंने ऊपर से डस्ट किया था उसे निकाल देंगे और साइड से हम थोड़ा सा साइज कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा आटा निकाल दिया है, बाकी का हम इसी तरह से बेल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारा आटा बेल लिया है। और यहाँ पर मैंने तवा भी गरम कर लिया है और उसके ऊपर एक पराठा को इस तरह से डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो, घी से भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, लेकिन मुझे थोड़ा पसंद नहीं है इसीलिए मैं ऑयल दिया है। तो ये देखिए, सारे पराठों को हम इसी तरह से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को मैं कच्चा आलू से क्यों बनाई, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ऐसे तो हम बॉईल करके आलू के साथ बनाते हैं ये पराठा, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाकर देखिए और बच्चों को भी टिफ़िन में दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों को, बच्चे इसको पसंद करेंगे खाने में।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से सेक लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारा ये जो कच्चे आलू का पराठा बनकर रेडी हो गया है और कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। इसे मैंने दही और टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो कोई भी चटनी के साथ, हरा धनिया या पुदीने की चटनी के साथ सर्व कीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।